उड कम्प्यूटिंग से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका मन करता होगा कि हमें एक्जैक्टली exactly प्रोग्रामिंग या कोडिंग की तरफ हम इतने इंक्लाइन नहीं है बट हमें पता है कि हमें टेक के अंदर टेक फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ करियर बिल्ड करना है तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग इज अली गुड करियर ऑप्शन

And क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग इतनी ल्यूक्रेटिव चीज है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए 2024 के अंदर बहुत सारी कंपनीज अपने टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्लाउड सर्विसेज को यूज करती हैं अब अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो अपना कॉलेज के ऊपर हमने ऑलरेडी एक एक्सटेंसिवीडियो के बारे में बनाया हुआ है उसे जाकर हम देख सकते हैं अब जनरली जब हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करते हैं तो मार्केट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं पर इनमें से मेजर तीन जो प्लेयर्स हैं उनमें से सबसे पहला है एमजन ए जिसका सबसे लार्जेस्ट मार्केट शेयर है इसीलिए जनरली क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्किल सीख रहे होते हैं वो ए रिलेटेड होती हैं सेकेंड नंबर पे जो लार्जेस्ट यूज है इन द इंडस्ट्री दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एज योर एंड थर्ड इज जी सी विच इज गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म इसके अलावा भी काफी सारे प्लेयर्स हैं जैसे आई हो गया पर मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की जर्नी के अंदर वो इन्हीं में से किसी एक सर्विस प्रोवाइडर के जो रिसोर्सेज हैं जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर एक स्ट्रांग कमांड लेकर आ रहे होते हैं अब जब भी हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की फील्ड के अंदर एंटर करना है सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे लिए होनी चाहिए टू बिल्ड स्ट्रॉग फंडामेंटल्स जब हमारे कोर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आगे जाकर जब हम स्पेशलाइजेशन को पिक कर रहे होंगे अपने सर्टिफिकेशन वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होंगे तो हमारे कोर फंडामेंटल्स हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे तो अच्छे फंडामेंटल्स बिल्ड करने के लिए सबसे पहली स्किल जो हमें आनी चाहिए दैट शुड बी नेटवर्किंग स्पेसिफिकली कंप्यूटर नेटवर्किंग कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर राउटिंग कैसे वर्क करती है आईपी एड्रसेस कैसे वर्क करते हैं वीपीएन कैसे वर्क करता है इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इन सारी चीजों की हमें एक्सटेंसिव नॉलेज होनी चाहिए अब कंप्यूटर नेटवर्किंग को पढ़ने के लिए कई सारे डिफरेंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इंटरनेट पर आपको जहां से अच्छे से फंडामेंटल समझ में आते हैं आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं एंड इफ़ यू मी टू सजेस्ट सम रिसोर्सेज तो अपना कॉलेज के ऊपर हमने ऑलरेडी कंप्यूटर नेटवर्किंग के नोट्स डाले हुए हैं आप चाहें तो वो जाकर रेफर कर सकते हैं नहीं तो देर इज दिस बुक विच गोज बाय द नेम फ्रोजन जो मैंने साइबर सिक्योरिटी के लिए भी रेफर की थी हम चाहें तो इसे भी जाकर रेफर कर सकते हैं एंड सेकंड चीज जो हमें कवर करनी पड़ेगी फॉर फंडामेंटल्स दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हमें डीप नॉलेज होनी चाहिए उसमें भी स्पेसिफिकली हम लिनक्स ओ की जो नॉलेज है उसको गेन कर रहे होंगे क्योंकि कई बार जब हम डिप्लॉयमेंट पर काम कर रहे हो तो हम लिनक्स को ही यूज कर रहे होते हैं थर्ड चीज जो हम फंडामेंटल्स के अंदर पढ़ रहे होंगे वर्चुअलाइजेशन का बेसिक मतलब यह है कि जब हमारे पास मल्टीपल यूजर्स होते हैं बट वो शेयर्ड रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं विदाउट इंपैक्टिंग ईच डेटा इम्पैक्टिंग वर्चुअलाइजेशन के अंदर हम VMs यानी वर्चुअल हमीस के बारे में पढ़ते हैं होस्ट के बारे में पढ़ते हैं हाइपरवाइजर्स के बारे में पढ़ते हैं एंड बेसिकली वर्चुअलाइजेशन ऐसी चीज है जिसको हम प्रैक्टिकली भी खुद से इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं इसका बेस्ट तरीका होगा टू सेटअप आर ओन वर्चुअल मशीन वी कैन बेसिकली यूज द नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड वर्चुअलाइजेशन टू डू दिस थिंग एंड इसको सबसे ईजी करने का तरीका है कि हम एडब्ल्यू के ऊपर अपना एक फ्री टीयर अकाउंट

मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस जो क्लाउड सर्विसेज को यूज़ करती हैं, वो किसी ना किसी तरीके से अपने डेटा को स्टोर कराने के लिए भी उन को करती अगर हमें अपनी लॉन्ग टर्म जर्नी के अंदर हेल्प करती है अब जैसे हमने अपने फंडामेंटल्स को कवर कर लिया उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है टू लर्न ये लैंग्वेजली ऑप्शनल है सारे के सारे क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो फील्ड्स होते हैं प्रोग्रामिंग नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होती पर

एक्ल कोई कंपनी हो सकता है कि सिर्फ एडब्ल्यू की सर्विसेज यूज कर रही हो या सिर्फ Azure की सर्विसेज यूज कर रही हो या फिर कई बार कंपनीज हाइब्रिड सर्विसेज भी यूज कर रही होती हैं यानी वो मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स से डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज का मिक्स एंड मैच करके यूज कर रही होती है तो ऐसे में एज अ स्टूडेंट इट इज बेस्ट कि हम एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ स्टार्ट करें हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि मेजर जो तीन प्रोवाइडर्स हैं उनमें से सबसे ऊपर यानी जो लार्जेस्ट मार्केट शेयर है दैट इज फॉर एमेजन एडब्ल्यू यानी मैक्सिमम कंपनीज एडब्ल्यू को यूज करती हैं सेकेंड लार्जेस्ट हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है एंड थर्ड लार्जेस्ट इज जीसीपी यानी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म अब जनरली आई एडवाइज स्टूडेंट्स टू स्टार्ट विद आईदर एडब्ल्यू और एजयोर क्योंकि उसके लिए आपको मार्केट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल जाएंगी अगर हम जॉब्स लेने जा रहे हैं तो एंड ये जो जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जनरली इन सबके पास फ्री टीअर्स अवेलेबल होते हैं यानी एज अ स्टूडेंट हम चाहे तो एक अकाउंट बनाकर स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें शुरुआत में हमें काफी सारे फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं ताकि हम अपने खुद के वेब एप्स को वहां पर डिप्लॉय कर सकें फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट एडब्ल्यू तो एडब्ल्यू के अंदर काफी सारे आपको फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं ताकि आप ईसी जैसी सर्विसेज को यूज कर सके कंप्यूट के लिए या फिर हम एस जैसी सर्विसेज को यूज कर सके स्टोरेज के लिए तो बेसिकली इन दो सर्विसेज के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे हम अपनी वेब एप्स को वहां पर डिप्लॉय करके प्र कर सकते हैं एंड उसके बाद फाइनल स्टेज हमारे पास आती है टू गेट सम सर्टिफिकेशन अब जनरली टेक के अंदर इफ वी गो टू वर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन फील्ड्स के अंदर सर्टिफिकेशन की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती पर टेक के अंदर अगर हम साइबर सिक्योरिटी जैसी फील्ड की बात करें या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी फील्ड की बात करें तो फ्रेशर लेवल पर इन फील्ड्स के अंदर कई बार कंपनीज हमारी सर्टिफिकेशन को चेक करती हैं अब इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि सिर्फ सर्टिफिकेशन होने से हमारी जॉब मिल जाएगी और प्रैक्टिकल स्किल्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है डेफिनेटली सर्टिफिकेशन सिर्फ रेज्यूमे के ऊपर देखी जाती है

में ऑलरेडी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है उसे भी जाकर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं फंडामेंटल को कवर करने के बाद सर्टिफिकेशन लेने के बाद कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने के बाद उन्हें डिप्लॉय करने के साथ सर्विस को यूज करने के बाद फाइनली वी के स्टार्ट अपलाइंग फॉर जॉब अब जॉब की शुरुआत हम जनरली एज अ क्लाउड इंजीनियर स्टार्ट कर सकते हैं पर टाइम के साथ जिस भी फील्ड के अंदर हमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा उस फील्ड के अंदर हम अपने लिए स्पेशलाइज करियर भी बिल्ड कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर सिर्फ क्लाउड इंजीनियर नहीं होते बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं जो स्पेशलाइजेशन के हिसाब से एक्जिस्ट करते हैं विद टाइम वी कैन बिकम अ क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर या फिर हम क्लाउड आर्किटेक्ट की डायरेक्शन में जा सकते हैं या फिर हम क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर बन सकते हैं जिस भी फील्ड में हम अपने लिए स्पेशलाइजेशन बिल्ड करना चाहते हैं उसी फील्ड के अंदर जाके हम और ज्यादा चीजें सीख सकते हैं इनफैक्ट कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं बट कुछ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के बाद शिफ्ट टू द फील्ड ऑफ डेवस डेवॉप्स के अंदर जाने के लिए वी केन बेसिकली स्टार्ट विद कंटेनराइजेशन हम डॉक्कर को सीखते हैं एंड उसके बाद वी केन मूव टूवर्ड्स गुबरिटीज इसके अलावा वी केन वर्क विद सीआईसीडी पाइपलाइन या फिर हम सर्वरलेस कंप्यूटिंग भी जाकर सीख सकते हैं जिसके अंदर हम ईड्ल्यू एस लैमा सीख रहे होंगे या फिर अगर हम Azure के ऊपर काम कर रहे हैं गूगल क्लाउड के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम इज यस या गूगल आउड फंक्शन को सीख रहे होंगे अब ये तो होगी वो सारी टेक्नोलॉजी जो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए हमें सीखनी पड़ती है नॉलेज टॉक अबाउट द एवरेज पैकेज अब क्लाउड इंजीनियर की तरह जब हम स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री के अंदर तो दो तरीके की कंपनीज हैं जिनके अंदर हम जा सकते हैं या तो हमारी कंपनी एक सर्विस बेस्ड कंपनी हो सकती है या फिर वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो सकती है और हमारा जो एवरेज पैकेज है वो कई सारे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं हम कैसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं हम किस रोल के लिए काम कर रहे हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एग्जैक्ट स्किल लेवल क्या है

हैं इन ऑफ पैकेजेस सो बेसिकली हाउ सक्सेसफुल बिकम इन द फील्ड ऑफ टेक इज मेजरली डिपेंडेंट अपॉन आर स्किल आई होप कि हम आज से ही अपने करियर के ऊपर काम करना हार्डवर्क इन करना स्टार्ट कर रहे होंगे एंड यह वीडियो कहीं ना कहीं आपके करियर के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा होगा आज के लिए इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में चलते कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग